मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये सुबह सुबह मैंने वाटरिंग करनी शुरू करी है। अभी बहुत सारे प्लांट्स हैं, धीरे धीरे करूँगी, बट सबसे पहले मैंने इसमें करी है। हमने ये जो प्लांट्स हम लेकर आए थे नर्सरी से, ये परमानेंट प्लांट है, इसको मैंने तुरंत नहीं लगाया है। जो जिनको ज़रूरत थी, जैसे गुलदाउदी, वो हमने पहले लगा दी। इसको धीरे धीरे करके हम लगाएंगे एक एक करके, क्योंकि सबकी मिट्टी अलग अलग होती है फ्रेंड्स, तो सबको अलग अलग मिट्टी प्रिपेयर करके तब लगाना होगा। बट इनको ऐसे ही एक साथ इसीलिए रख दिया है ताकि एक दूसरे के सपोर्ट करते रहें ये। और फ्रेंड्स, ये मेरे प्लांट हैं जो मुझे लगाने हैं एक एक करके। इसमें से गुलदाउदी मैंने लगा दी है, और अपराजिता भी लगा दी है। ये देखिए, जब मैं लेकर आई थी, ये वाला ऑलरेडी लगा हुआ था फ्लावर, ये तो गिर गया, बट एक और इसमें आ गया है। ये देखिए कितना सुंदर कलर, बिल्कुल डार्क ऑरेंज, बहुत प्यारा। एक और फ्लावर इसमें ऐसे ही आ गया है, तो मैं फटाफट इसको नेक्स्ट इसी को लगा दूंगी। मैं फ्रूट्स के प्लांट्स मैंने 5 लाए थे, उसमें से मैं कम से कम 2 तो लगाने की कोशिश करूंगी, वरना ऐसे ही खराब हो जाएंगे रखे रखे। कौन से मेरा रबर का प्लांट से लंबा लंबा बढ़ता जा रहा है। इसके नीचे ये बहुत सारी वीड्स भी उग गई है, वो हटा दूं। कि मैं पिछले कुछ दिनों से केयर नहीं कर पाई हूँ फ्रेंड्स, बट इसको मैं सोच रही हूँ इसकी कटिंग करूँ ताकि इसके शूट्स, नए शूट्स आए और आगे ये इसको बुशी कर पाऊँ। इसको इस तरह से सपोर्ट दे रखा है जाली से। बट इसमें देखिए नीचे नया शूट एक आ गया है, तो यहाँ से भी एक ब्रांच इसकी बन जाएगी। फिर मुझे इसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। ये देखिए, ये प्लांट मेरे कितने बढ़िया ग्रोथ हो रही है इसकी। कलर देखिए कितना खूबसूरत पिंक। इसके मैंने और भी कलर मंगाए थे, बट ये वाला ही सरवाइव कर पाया दूसरे सीजन में। ये वाला प्लांट देखिए कितना खुश है। मॉर्निंग के टाइम पे पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इसको मैंने सिर्फ एक स्टेम से बहुत सारा मल्टीप्लाई किया, उसके बाद देखिए इनकी ग्रोथ 4-5 हो गए। बस इतने से शूट था जिसको मैंने काट काट के 4-5 टुकड़ों में लगाया था, अलग अलग गमलों में लगाया था, और ये देखिए बहुत अच्छे हो गए, सब ग्रो कर गए। ये मेरा चंपा का भी मैंने ऐसे डाल लगाई थी, ये देखिए कितनी बड़ी हो गई है। ये है मेरा सबसे खूबसूरत बोनसाई जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए इसका शेप इतना बढ़िया शेप है। ये फाइकस का मैंने बनाया था बोनसाई, फाइकस का एक और बोनसाई मैं बना रही हूँ, वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए, ये दूसरी वैरायटी है जो मैंने ऑर्डर की थी। बाकी इस गमले में मैंने नाग चंपा लगाया था जो खत्म हो गया, और ये मैं गुड़हल के पेड़ लेकर आई थी। ये मेरे गुड़हल के पेड़ देखिए इनका ग्रोथ, सबकी मैंने कटिंग कर दी थी, वरना ये इनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, ऊपर तक हाइट थी। देखिए इस पे फूल आ गया है पिंक पिंक, ये भी खिलेगा जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा, वैसे वैसे ये फूल भी खिलेगा। ये जो मेरा चंपा का एक और बड़ा पेड़ है, कई बार मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी आपको दिखाया है, खूब बड़ा पेड़ है ये। इसको मैंने पॉट में बहुत बड़ा दे रखा है, और इसके बेस में देखो आप, ये टैंगल हार्ट कितना बुरी तरीके से फैल गया है,
इसको मैं कटिंग अभी नहीं कर रही हूँ। यहाँ देखिए छोटी सी मूर्ति, लग रहा है जैसे जंगल में शिव पार्वती बैठे किसी पेड़ के नीचे। तो इस वजह से मैं ये कटिंग नहीं कर रही हूँ, मुझे ये लुक बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए टॉप एंगल से इसी जंगल में एलोवेरा भी उगा हुआ है। ये बहुत बड़ा चपटा पॉट था, इसमें सिर्फ एलोवेरा लगा था, बट एंगल हट ने पूरा इसको ऑक्यूपाई कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पोटोलाका की कुछ कटिंग्स मैंने गमलों में लगाई थी अलग अलग कलर की। ये देखिए इसमें सिर्फ पिंक है, इसमें लाइट पिंक और वाइट, इसमें वाइट, इसमें रेड, ऐसे चार कलर्स मैंने अगले सीजन के लिए ये कटिंग सेव कर ली है इसमें। और बहुत अच्छी ग्रोथ इसी में इसने पकड़ ली है, तो विंटर्स में मैं इसको थोड़ा केयर करके रखूंगी ताकि अगले सीजन में खरीदूँ ना। ये देखिए ये तो सारी मिक्स है। ये है डेनिया मेरा, बहुत बढ़ गया है, इसको कटिंग करने की बहुत ज़रूरत है। इसकी कटिंग को मैं मल्टीप्लाई भी करूँगी और वीडियो शेयर करूँगी आपसे फ्रेंड्स। देखिए कितना बढ़ गया है डेनिया में। इसकी रूट दिखाती हूँ, वाह कितनी बढ़िया रूट है ना। इसकी रूट ऐसी बनाने का एक ही तरीका है, इसको पानी कम दीजिए दोस्तों। पानी ज़्यादा देंगे तो इसकी रूट ग्रो ही नहीं करती है उतनी, ना ऐसी मोटी होती है। बाकी ये मेरा अलमांडा है जो अभी खिला नहीं है, कुछ कलियाँ हैं देखिए दिख रही है, लिपस्टिक के शेप की कलियाँ आती हैं इसकी। अलमांडा मेरे पास ये इस तरह में एक ही कलर है, ये मरून। बाकी और दिखाते हुए एक दूसरी अलमांडा है मेरे पास, ये बेल से लगी है। ये देखिए ये बेल मैंने बिल्कुल ऊपर की थर्ड फ्लोर तक चढ़ा दी है, अगर दिख रही हो तो। चंपा में चढ़कर वो एंटीना जो दिख रहा है आपको, उसकी आगे तक चढ़ा दिया। जब ये फूल आते हैं इसमें बहुत सुंदर लगते हैं, तो दो फ्लोर तक फूल ही फूल हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत है। बाकी देखिए एलोवेरा ही एलोवेरा। इस टंकी में दोस्तों मैं खाद मैंने बनाई है, जितने भी गार्डन से वेस्ट निकलते हैं पेड़ पौधे सब इसी में डाल देती हूँ, जितने वीड्स निकलते हैं सब इसमें डाल देती हूँ। और इसमें खाद बनाने वाली जो लिक्विड आता है वो मैं मिला देती हूँ डिकम्पोजर, और बढ़िया मेरे घर में ऑर्गेनिक खाद रेडी हो जाती है। ये देखिए एक बोनसाई मैं बना रही थी, ये बरगद का बोनसाई बहुत फटाफट बड़ा है, और इसकी ग्रोथ देखिए, पत्ते देखिए। इनको मैं तोड़ूंगी ताकि छोटे छोटे पत्ते, पत्तों का साइज थोड़ा छोटा हो, अदरवाइज ओरिजिनल ट्री जो होता है उतना ही बड़ा बड़ा इसमें पत्ते आ गए हैं। ये बोनसाई का लुक इसने छोड़ ही दिया बिल्कुल, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और भी बोनसाई आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए सीढ़ी के इस तरफ से आ गई हूँ मैं। ये देखिए ये सारे मेरे बोनसाई कलेक्शन ही हैं। ये देखिए एक और फाइकस जो मैं कह रही थी, ये नया बोनसाई मैंने बनाया था लास्ट ईयर, इसको इस तरह से शेप किया था। ये देखिए बोनसाई की वायर आती है, उस वायर से मैंने इसको शेप किया था, तो अच्छी ग्रोथ ले लिया इसने, शेप भी ले लिया है। थोड़ा टाइम और लगेगा इसको ऐसे ही वायर में लपटे रहने के लिए, फिर मैं इसको थोड़ा और शेप दूंगी, इसके ब्रांचेस थोड़ी बढ़ जाए तो आप सबसे वीडियो शेयर करूंगी। ये है मेरा पाखड़, ये दिखाती हूँ कितने छोटे पॉट में लगा है। इतने छोटे पॉट में अगर आपको दिख रहा होगा ये कितना बड़ा पेड़ है। ये भी बोनसाई था, मॉनसून में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है और बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, अदरवाइज इसके तो छोटे छोटे पत्ते तक मैं कंट्रोल रखती हूँ ताकि ये बिल्कुल छोटा सा पीपल का पेड़ लगे, बहुत सुंदर लगता है। अभी मानसून में सारे पेड़ बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रो हो जाते हैं ना, तो ये भी बहुत अच्छा ग्रो हो गया है।
यहाँ पे सब मैंने वो सारे प्लांट रख रखे हैं, मेरे बोनसाई है और सारे जो सेमी शेड वाले पेड़ हैं वो सारे यहाँ पे रखे हैं। बाकी सारे पेड़ों में पानी मैंने दे दिया है, अब सब थोड़ा खुश लग रहे हैं मेरे पेड़। चंपा ने इस बार समर्स में बहुत फ्लावरिंग दी थी, बहुत हेल्दी पेड़ बनकर रेडी हुआ है ये। इसकी कटिंग में मल्टीप्लाई करती रहती हूँ, इसके दो तीन मैंने रेडी कर लिए हैं चंपा के। बहुत आसान है चंपा को प्रोपोगेट करना। तो ये था आज का सुबह का मेरा गार्डन का ओवरव्यू। मैं आई थी पेड़ों में पानी डालने, तो सोचा आप सबसे शेयर भी करूँ थोड़ा अपने पेड़ों को कि अभी क्या हाल चाल चल रहा है मेरे पेड़ों का। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए मेरी गार्डन का हिस्सा बनने के लिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैप्पी गार्डनिंग।